बस हम भाजपा को लाने वाले हैं, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। अखिलेश जी का क्या है, वो तो कहते थे, उनके तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि लड़के तो ऐसी गलतियां करते हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है बिल्कुल दिमाग से पाइज बना दिया भाजपा ने। तीन साल होगी, 3 साल से नाश कर रखा पढ़ाई का। तो वो इसलिए करते हैं कि 80% जो जनता उनके साथ है, 20% उधर है। मशीनें रहेंगी जब तक बीजेपी रहेगी, मशीनों से ही घोटाला होता है बीजेपी का। मदन चौहान ही जीतेगा यहाँ से। अगर किसी का कुत्ता ही मर जाए बेचारा मदन चौहान आ जा, आदमी की तो बात रही अलग, मदन चौहान का इतना बड़ा दबदबा है यहाँ पे। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अफसा बानो सिद्दीकी और आज हम आए हैं गढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट में। यहाँ के भाजपा उम्मीदवार हरिंदर सिंह तेवतिया आज आने वाले हैं, लोगों से मुखातिब होने वाले हैं। उन्हीं के इंतजार में यहाँ पर कुछ लोग हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अपना नाम बताइए। आनंद पॉल। क्या लग रहा है, कौन आने वाला है इस बार? बस हम भाजपा को लाने वाले हैं, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। जी तो राम को मतलब भाजपा ही लेकर आई है? हाँ जी, हाँ राम भाजपा लेकर आई है। उससे पहले लोग भगवान को नहीं मानते थे? नहीं मानते होते थे। अयोध्या में क्या मसला था? गोलियां चली थी, फिर किसने बनवाया बताइए आप। हाँ जी, तो आज आप जो वो हैं आप देख रहे हैं, वैसे रोडों पर आप भी सुरक्षित घूम रही हैं, हम भी घूम रहे हैं। रात के 11 बजे आते हैं जाते हैं, पशु खुलते थे तो वैसे वैसे मोटर चोरी होते थे, आज क्या है, थोड़ी आज़ादी है, ये तो आप भी मानती होंगी। हाँ तो फिर यही है, बस यही फ़र्क है, फर्क तो साफ है। फर्क साफ लग रहा है, है। अखिलेश जी तो लेकिन दावा करते हैं कि इस बार हमारी पार्टी आ रही है और भाजपा में गुंडा राज है। तो अखिलेश जी का क्या है, वो तो कहते थे, उनके तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि लड़के तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, हैं गोलियाँ वो चलाते हैं, 50 भी मरते तो भी मरवाते, फिर इसमें क्या है, ये तो जुमलेबाजी है उन लोगों की, समय आने पर तो ऐसा लोग करते ही हैं। तब आप अपने जो भाजपा प्रत्याशी है उनका इंतजार कर रहे हैं? आप बिल्कुल कर रहे हैं, जी जान से कर, बिल्कुल जी जान से हैं, तन मन धन से हैं। अच्छा, तो लग रहा है इस बार आ जाएगी उनकी सरकार? उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम। अच्छा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बताइए। मैं काविंदर सिंह। क्या मांग रखने वाले हैं अपने विधायक के सामने, होने वाले प्रत्याशी के सामने? हम तो यही मांग रखने वाले हैं जी, जैसे पहले सुरक्षा सही चल रही है ऐसी चलती रहनी चाहिए आगे को भी जी, यही हमारी इच्छा है जी, भाजपा सरकार को चाहते हैं जी, भाजपा सरकार को। अच्छा जी, यहाँ के पिछले विधायक थे भाजपा से ही थे, कमल मलिक, तो उनके बारे में क्या राय है? वो बढ़िया रहे हैं जी विधायक, अच्छे विधायक रहे हैं जी, अच्छा कार्य किया है जी, विकास कार्य अच्छा किया है, तो फिर भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? ये तो जी उनका अंदरूनी मामला है, इस बारे में तो पार्टी बता सकती है जी, क्यों नहीं मिला जी टिकट, पार्टी को पता जी इस बात का। इस वाली सीट पर क्या लग रहा है, यहाँ पे जो बसपा से भी उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से भी है, यहाँ पे तो बीजेपी जीतेगी जी 100%। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम नरेश पाल है। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे? हाँ 100%। अच्छा, अखिलेश जी तो अपना दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 22 में बाइसिकल, वो तो करे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी तो बड़ा दावा कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, योगी जी 100% आएंगे। काम से सहमत है योगी जी के, जो विकास कार्यों से सहमत है योगी जी के, विकास कार्य के और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सब गुणदायक हैं। क्या कहेंगे, क्या मांग रखेंगे उनके सामने? मांग रखेंगे अपने कानून व्यवस्था सही रखवाएं, अपने ठीक ठाक रहे, जैसा पहले चलता आया कमल मलिक के सामने जैसा रहा वही चाहते हैं। अच्छा रहा था कमल मलिक के सामने? गुडविल, बढ़िया बढ़िया विधायक रहे, बढ़िया रहे, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया पार्टी ने, कटते पड़ते रहे टिकटों, क्या रुके तो कट, बढ़िया रहते तो टिकट क्यों कटता, बढ़िया होकर कटा करें ज्यादा। अच्छा, कट जा है जैसे कमल मलिक का कट गया, कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? अच्छा, कोई पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है उन्हें? जब कमल मलिक को और बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, हो सकता है पार्टी देवे आने वाले समय में। हाँ, बाकी इन वाले विधायक से ये तो बताए जाते हैं कि चौधरी चरण सिंह के रिलेटिव्स में से हैं। हाँ जी, वहाँ से ये रहने वाले तेवतिया, ये भी बसपा के नहीं लग रहा, कई बार विधायक रह चुके हैं मदन चौहान जी और उसके अलावा रविंदर चौधरी, समाजवादी आरएलडी के, जैसा पिछला चुनाव है वैसे ही है सेम, जैसा पिछला 2017 में हुआ ऐसा ही चुनाव होना है, ये भी सेम ही होना, त्रिकोणीय चुनाव वैसे ही होना, वो बराबर है जाना, ये जीत जाना हरिंदर जी, उम्मीद है जीत जाएंगे हरिंदर सिंह तेवतिया, बिल्कुल योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री,
हाँ योगी जी बनेंगे। क्या क्या पसंद आया योगी जी के विकास कार्यों में? योगी जी का सबसे पहले तो यूँ आराम से सोमे की वार्ड खुले छोड़ के अपने, ना कोई बिल्कुल किराए बंद है, कोई बदमाशी नहीं, 12 पे कोई नुकसान नहीं, और जो ये अखिलेश आएगा तो ढोरों घर से खुलवा लेगा, रिपोर्ट भी ना होती। चल पड़ी चोरी तो अभी चोरी तो चालू हो रही, ये पशु चोरी, पशु मोटर स्टार्टर तार बिजली चोरी चल पड़ी जी, चालू हो गई। ये चुनाव है अब ऐसा, अभी तो आए भी ना है, पहले ही चालू हो गई। हाँ 10 तारीख से बाद में बंद हो जाएगी, फिर हाँ जी 10 से बाद बंद हो जाएगा। लोग तो कहते हैं जब गांव में जाते हैं कि जो पशु के बारे में आवारा पशु इधर उधर घूमते रहते हैं इस राज्य में, हमें तो छोड़ रहे हैं उन्हें, हमें छोड़ रहे हैं, हाँ जी हमें तो छोड़ रहे हैं उन्हें। क्या व्यवस्था है, सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करती? छोड़ गए तो हमारे पशु है, हम ही छोड़ रहे हैं, हमें व्यवस्था करनी है उनकी, चुनाव से बात हो जाए, कुछ गवर्नमेंट सहयोग करेगी, कुछ हम करेंगे, हो जाएगी सब, यू बड़ी कोई समस्या नहीं है, योगी जी आएंगे। तो गौ माता को पालते हैं तो फिर छोड़ते क्यों हैं? छोड़ देते हैं जब ज्यादा धन हो जाता है, छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, कौन सा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका गौ माता से। कानून व्यवस्था सही है, विकास सही है और सब कुछ सही है। 500 साल की समस्या इन्होंने सुलझाई, क्या समस्या सुलझाई? राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने सुलझाया, 3 तलाक का बीजेपी ने सुलझाया, मुस्लिम बहनों का जो था वो तलाक पर दे देते थे, उनकी दुर्दशा होती थी, और विकास किए, सिलेंडर बांटे इन्होंने सबको। और अच्छा, फिर योगी जी 80-20 की बात क्यों करते हैं अगर मुस्लिम बहनों के लिए की बात? वो इसलिए करते हैं कि 80% जो जनता उनके साथ है, 20% उधर है, विरोधी तो होते हैं थोड़े बहुत, इसलिए करते हैं, वो किसी धर्म जाति से उनका मतलब नहीं है। 80% का मतलब उनका है कि 80% बीजेपी के साथ है और 20% अलग है, तो 80-20 का तो अनुपात रहेगा ही। राजनीतिक दायरे में तो इसका मतलब कुछ और ही निकलता है, खासकर जब भाजपा की बात मतलब होती तो है। कोई कुछ भी निकालो, जैसा सोचो वैसा ही निकाल लो, मतलब उससे क्या है? मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट देते हैं, मुस्लिम लेडीज बहुत वोट देती हैं बीजेपी। हाँ बिल्कुल, कानून व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया, कानून व्यवस्था चल रही है देश में, बिल्कुल शांति है, प्रदेश में विकास है और जनता खुश है। लेकिन जनता की भी और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि सरकार में बेरोजगारी बहुत हुई है, महंगाई बहुत बढ़ी है। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष कहते ही उसे जो आरोप लगाए, उन्हें तो कोई बात पसंद नहीं आएगी, कुछ भी करें वो तो उल्टा ही बता देंगे। क्या विपक्ष से ये पूछो ना कि यार राम मंदिर पर उन पर राम भक्तों पर गोली चलानी सही थी? वो तो उसे भी सही बता रहे हैं, और मर जाते तो और चलवा रहे थे हम तो। योगी जी को जनता ले आएगी, विपक्ष से नहीं आने की, योगी जी को तो जनता ले आएगी, विपक्ष ले आएगा, योगी जी के साथ है सब, भाईचारा सब योगी जी के साथ है। फिर लोग फिर रहे हैं खाम खा अफवाह उतार रहे हैं, हमारा तो गांव है साथ तो जाते हैं, सब योगी के साथ है, सब योगी के साथ। लेकिन अखिलेश जी अभी आए थे यहाँ पर हापुड़ होते हुए गढ़ में, वो कह रहे थे इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। चलो अपनी अपनी सब कह रहे हैं, अखिलेश जी को लग रहा होगा जहाँ जा रहे हैं उनसे हो जा तो बात दूसरी, जनता तो उन्हें ले आ रही है योगी जी को, थोड़ी कह देगी हम हारेंगे वो कहेंगे जीतेंगे, जनता योगी जी को ले आ रही है, अखिलेश खुद आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फैसला जनता पे है किसे बना हुआ किसे ना, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे लोगों का कहना है, और वो अपने जो विधायक है हरिंदर सिंह तेवतिया उनको जिताएंगे। हम आए हैं श्यामपुर जट गांव के चौराहे पर, यहाँ पर कुछ लोग हमें खड़े हुए दिखाई दिए, आइए जानते हैं उनसे कि वो किसे इस बार सत्ता में बिठा रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्राण। क्या नाम? प्राण। क्या लग रहा है इस बार माहौल को देख कर, जो चुनाव है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ। किसका बढ़िया लग रहा है? किसका बताओ जी, जिसे आप वोट करेंगे? हमारी तो बहन मायावती को चल रही है बहुत। मायावती को मतलब मदन चौहान को? हाँ। लग रहा है इस बार वही जीतेंगे? हाँ जी। अच्छा, और बाकी जो ये बीजेपी के हैं और उसके अलावा समाजवादी के, ये तो मुश्किल लग रही है काट दी। मुश्किल लग रही है, चलिए इधर बताइए। नहीं हमारे तो पुराने बता देगा सारी बात। नहीं नहीं, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? भाजपा जाने वाली है। भाजपा जाने वाली है? भाजपा इसलिए जाने वाली है, पढ़ाई का बिल्कुल नाश कर दिया इसने, बिल्कुल ना, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है ना, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल दिमाग से पाइज बना दिया भाजपा ने। तीन साल होगी, 3 साल से नाश कर रखा पढ़ाई का, है बिल्कुल खत्म नहीं है। वो तो कोरोना महामारी है। कोरोना कहाँ है, किसको है कोरोना? आज तक हमारे आसपास के किसी गांव में कोरोना आया हो तो बताओ,
हमारे गांव में कोई मरा है कोरोना से या आसपास के किसी गांव में मरा है कोरोना से? कोरोना हुआ था, इतने लोग मरे। कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना केवल उसकी बनावटी बात है। जो जब ये प्रधानमंत्री बना था, हर जगह गया, हर देश में गया केवल राजनीति के लिए। इसने सब देश के प्रधानमंत्रियों को सिखाया, सब देश के प्रधानमंत्रियों को सिखाया इसने। इसके आने वाले समय में कोरोना आना है हमारे देश के। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, कोरोना तो एक महामारी, एक पैंडेमिक है, वो पूरी दुनिया में थे। हमने नहीं देखा कोरोना, इतनी सारी मौतें हुई हैं, लोग मरे हैं, हर साल मरते हैं, हर साल मरते हैं। क्या जब प्रधानमंत्री जब नहीं मरते थे, जब नहीं मरते थे, क्या अब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा उसके बाद नहीं मरेंगे? बीमारी तो हर समय में आती है, बीमारी हर समय में आती है, लेकिन ये एक महामारी थी, ये तो मानना पड़ेगा। महामारी थी, अरे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर वैसे नहीं पढ़ाना तो उनको लैपटॉप की सुविधा करें, मोबाइल की सुविधा करें, जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ पाएंगे? अगर प्रधानमंत्री है देश का तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ सोचा है सबके बारे में? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ किसका विकास हो रहा है? किसी का विकास नहीं हो रहा, केवल अपना अपना विकास कर रहा है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया इसने, क्या रखा है? कुछ नहीं रखा हुआ मैडम। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? भाई आएगी तो देखो बीजेपी, लेकिन बेईमानी से आएगी, क्योंकि जब तक मशीनें रहेंगी ना यहाँ पे, जब तक बीजेपी ही रहेगी, मशीनें खत्म हो जाएंगी तो बीजेपी हट जाएगी। मशीनें रहेंगी जब तक बीजेपी रहेगी, मशीनों से ही घोटाला होता है बीजेपी का। अच्छा अपनी विधानसभा का बताएं क्या लग रहा है? हमारी जो हमारे हापुड़ ये गढ़ विधानसभा में है, जो हाथी वाला कौन है मदन चौहान, इसकी सीट निकलेगी, पक्का निकलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मशीन में घोटाला नहीं हुआ तो, अगर मशीन में घोटाला है तो भाई जीत जाएगा कोई भी। तो समाजवादी और जो उनका आरएलडी गठबंधन नहीं लग रहा, बीजेपी का भी है? यहाँ से नहीं जीतने वाला, यहाँ से केवल मदन चौहान जीतेगा, क्योंकि मदन चौहान 26 वर्षों से हर किसी इंसान के साथ बैठने वाला है, सुख दुख में काम आने वाला है मदन चौहान। मदन चौहान ही जीतेगा यहाँ से। अगर किसी का कुत्ता ही मर जाए बेचारा, मदन चौहान आ जा, आदमी की तो बात रही अलग, मदन चौहान का इतना बड़ा दबदबा यहाँ पे। बिल्कुल नाम बताइए अपना। नाम मेरा, तो नाम मुरारी है। देखो मेरा गिरने में बेचारा है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब हमें क्या पता किसकी बनेगी, अभी 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 पता कुछ नहीं है। आप कैसे वोट देंगे? हम तो अपना कोई कहे ना कहे, वो तो पहले से हमारी मदन चौहान को जाएगी वोट? अरे तेरे अभी हमारे तो पहले से ही है भैया। पहले से कौन है? हाथी पे ही हमारे तो पहले। हाथी पे ही है मतलब? तू लग रहा है मेहंदी आ जाएगी इस बार? बिल्कुल आनी भी चाहिए। अरे ये हाँ, चलिए आप बताइए आपका नाम। सोहन कुमार। सोहन जिता रहे हाथी जी को? हाथी को जिता रहे जी हाँ। उनके पूर्ण समर्थन है, उनके पूर्ण समर्थन है यहाँ पे, और अच्छी शासन रहा है बहन जी का, और उनका साथ, उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। उन्होंने किसी भी जाति से सबका साथ सबका विकास का दावा तो भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, मायावती जी का भी यही है, उनका शासन हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने हर जगह ऊंच नीच किसी भी कास्ट में किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा। इस ये नहीं, ये पूरे देश की जनता कहती है इस बात को। लेकिन सब तो कह रहे हैं इस बार जो है समाजवादी और भाजपा में लग रही है टक्कर, बहन जी तो निकल ही नहीं रही बाहर। नहीं जी, हमारे यहाँ से तो पूर्ण समर्थन है, और यहाँ के प्रत्याशी जी हैं मदन चौहान जी है, हम उनका पूर्ण समर्थन देंगे और यहाँ से ही उनकी ही जीत होगी। यहाँ पर लोगों का कहना है कि पूर्ण समर्थन मदन चौहान को रहेगा। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है, जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।